प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 4 बजे जवाब देंगे। आरएलडी विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात कर गन्ने के बकाये के भुगतान की मांग की। उत्तराखंड में बारिश से 9 लोगों की मौत, सीएम धामी ने लिया स्थिति का जायजा। अतीक अशरफ के शूटर्स के खिलाफ आज जिला कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी चार्जशीट के आधार पर तय होंगे आरोप। आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी को चैलेंज, दूसरे दलों के सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए पेपर दिखाएं। प्रयागराज में अतीक अहमद का करीबी भू माफिया मोहम्मद नासरत देर रात गिरफ्तार। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद को मिली धमकी, बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई, मामला दर्ज। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के लिए 8वें दिन पहुंची एएसआई की टीम। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली। राजस्थान में महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आज से मुफ्त मोबाइल मिलेंगे।